चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ग्लूटेन फ्री बर्गर बंस बनाने सिखाऊंगी, जिसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक अंडे की सफ़ेदी ली है, 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है, 1.5 टीस्पून चीनी ले ली है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून यीस्ट ले ली है। और हम जो आटा यूज़ करेंगे ये बर्गर बंस बनाने के लिए वो है होममेड कुजीन का ब्रेड फ्लोर है, उसके साथ हम ये बनाएंगे। आप होममेड कुजीन का जो फ्लोर है आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं, वो लाहौर में तो वो आसानी से मिल जाएगा, कराची में भी, मगर मुख्तलिफ शहरों में भी वो डिलीवरी भेज देते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अभी हम अपने बर्गर बंस बनाने शुरू करेंगे। दो कप मैंने होममेड कुजीन का ब्रेड फ्लोर ले लिया है, अब इसमें मैं ये वाला मिक्सर डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। इस तरह की आपकी डो होनी चाहिए। आपके लिए अगर 1 कप पानी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच ऑयल का मैंने पहले डाला था, 1.5 चम्मच ऑयल का अभी मैं डाल दूँगी, तो ये 3 चम्मच बन जाएंगे। इस तरह छोटी छोटी प्यालियाँ लेके मैंने उनके अंदर ऑयल लगा के, बटर पेपर लगा के मटेरियल डाल दिया है और उंगली पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के इनको मैंने सेट कर दिया है। अभी हम इनको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे, फिर बताते हैं कि इनको बेक कैसे करेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद अभी हम इनके ऊपर ठंडा दूध इस तरह से उंगलियों की मदद से लगा देंगे। लगाने के बाद मैंने इनके ऊपर सेसमे सीड छिड़क दिए हैं, अभी मैं इनको बेक होने के लिए रख दूंगी। मैंने पतीली में बेक करने हैं, इसलिए मैंने पतीली को प्री हीट कर लिया है। आपने ओवन में बेक करने हो तो आप ओवन को भी प्री हीट कर लें। अभी हम 20-25 मिनट्स के बाद इनको खोल के देखेंगे कि ये किस तरह के तैयार हुए। ये देखें, 20 मिनट्स बेक करने के बाद हमारे बर्गर बन रेडी हो गए थे। मैंने इनको निकाल लिया था, फिर गीले कपड़े में मैंने इनको लपेट के रख दिया था। अभी ये काफ़ी ठंडे हो गए हैं, ये देखे बिल्कुल नरम और बहुत मॉइस्ट बने हैं। ये इसको मैंने टोस्ट कर लिया है थोड़ा सा तवे पे। इसके साथ हम बर्गर बन बना के दिखाएंगे कि बर्गर बन बनाने के लिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैं केचप लगा दूँगी। ये चिकन का शामी कबाब है, ये मैंने घर में बनाया हुआ है। आप इसकी जगह पे चपली कबाब भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप बर्गर बन बना लें। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। उसके ऊपर हम सैलेड रख देंगे।
जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप बन तैयार कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बन कबाब बनेगा। इसके ऊपर ये छोटा सा मैंने अंडा बनाया हुआ था ये लगा दिया, और दूसरे स्लाइस पे हम कोल्सलो लगा देंगे। मैंने आपको बन सिखाए और उसके साथ साथ मैंने आपको बर्गर बनाना भी सिखा दिया है। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, वो बहुत शौक़ से खाएंगे। आप अपने लिए भी बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत शौक से आप भी खाएंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। अभी मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ, अंदर से बहुत खूबसूरत इसकी लुक आएगी। ये देखें कैसा ज़बरदस्त बन तैयार हुआ है। आप अपने बच्चों को बन कबाब इस तरह से बना के ज़रूर खिलाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा।